इजहार यकजहती करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले मैं अपनी बात की इब्तदा यहाँ से करता हूँ कि अल्लाह ने कुरान के अंदर बारहा मरतबा जिहाद का जिक्र फरमाया, कुरानी आयात नाजिल फरमाई, वो सिर्फ पढ़ने के लिए नाजिल फरमाई बल्कि वो मुसलमानों के जो जवाल है, मुसलमानों की पस्ती है, मुसलमानों को इस जवाल और पस्ती से रोकने के लिए अल्लाह ने नाजिल फरमाई थी। अनफॉर्चुनेटली हमने उन आयात और उन कुरान के अहकाम को हमने छोड़ दिया, जिसकी वजह से हम आज जलील और रसवा हो रहे हैं। लेकिन जो इसराइल ने फ़लस्तीनी नहत्ते मुसलमानों पर, हमारी माओ पर, हमारी बहनों पर, हमारे बुज़ुर्गों पर, हमारे मासूम बच्चों पर ये जो बम बारूद गिराया, बम बारूद बरसाया, एक बात इससे वाजिया हो गई कि कुफर का चेहरा, कुफर का इत्तेहाद बेनकाब हो गया, कुफर का चेहरा और कुफर का इत्तेहाद बेनकाब हो गया। मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ कि हॉस्पिटल्स के ऊपर नहत्ते लोगों के ऊपर बम्बारमेंट की गई, अमेरिका तमाम इन करतूतों के बावजूद जाके इसराइल के साथ खड़ा हुआ, इसराइल को उसने सपोर्ट की, अपने बहरी बेड़े उसकी तरफ भेजे, आया कि क्या अमेरिका को ये नज़र नहीं आया कि नहते लोगों पे और फिर जो जो जंगी जराइम है उसका मुर्तकिब हुआ। लेकिन नहीं, कुफर कुफर के साथ बड़ी दीदा दलेरी के साथ खड़ा हुआ और मुसलमान अपने पाँव पीछे खींचता रहा। इस्लामिक फोरम पे जमा हुए, OIC बुलाई गई, लेकिन अमल दरामद क्या हुआ? ये वक्त था अपने इसराइलियों के, अपने फलस्तीनियों के साथ खड़ा होने का, ये वक्त था मुसलमानों के साथ खड़ा होने का, ये वक्त था उन मासूम बच्चों के खून का बदला लेने का। ये आज मुस्लिम ममालिक को ये चीज़ ठोक बजा कर डिसाइड कर लेनी चाहिए थी कि जैसे अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा हो सकता है तो 57 मुल्क मुसलमानों के ये फलस्तीन के साथ भी खड़े हो सकते हैं। लेकिन चूँकि इस वक्त मुस्लिम उम्मत में इत्तेहाद और इत्तेफाक की कमी और किसी लीडरशिप के ना होने की वजह से, यूनिटी ना होने की वजह से हम मार भी खा रहे हैं। लेकिन उन फलस्तीन माओ बहनों को, उन भाइयों को, उन मासूमों को हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि कोई बेगैरत हो जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम आप लोगों के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह हर फोरम पे साथ खड़े होंगे। हम अपना खून का आखिरी कतरा बहाने तक आप लोगों के साथ खड़े हैं, लेकिन हमें रास्ता दिया जाए।